गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो जीवन में किसी के लिए किए गए त्याग के फल को बताती है। एक समय की बात है, एक लड़का था, वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए चार रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से चार रोटी कमा पाता हूँ, मैं पहले ही परेशान रहता हूँ, मेरी गरीबी कब दूर होगी, और ऊपर से तुम मेरी एक रोटी ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ, और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात भर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता, ए मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है, क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ। हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है पर वह बोलती नहीं है, उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहाँ एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुँचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुँचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुँच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से, और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुँचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुआ से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें तुम इसे ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुँचा। उसे वहाँ जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुँचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लगी, इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपबान पत्नी मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। आशा है कि आपको गौतम बुद्ध की हिंदी स्टोरी ऑन सेक्रीफाइस अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।